जनपद जनपद में दोहरे हत्याकांड का आरोपी 50,000 बदमाश एसओजी के तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार। देखिए बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद के चांदी नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी 50,000 बदमाश को देर रात्रि मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विगत 2 अगस्त की रात्रि चांदी नगर क्षेत्र के जंगल में एक हिस्टर समेत 2 लोगों के गोली लगे शव मिले थे। परिजनों द्वारा 3 अज्ञात तथा 4 नामजद समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ चांदी नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की मुखबिरी के शक में हत्या करना स्वीकार किया था। 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार बदमाश की पहचान गौतम निवासी ग्राम खेला थाना चांदी नगर जनपद बागपत के रूप में हुई है। घायल बदमाश को विधिक कार्यवाही के बाद उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा है। गिरफ्तार बदमाश पर विभिन्न धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। विगत अगस्त महीने की 2 तारीख को एक घटना घटी हुई थी थाना चांदी नगर के ग्राम खेला में, जिसमें ट्यूबवेल पे 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी बरामद हुई थी। बाद में जानकारी हुई कि वो पड़ोसी गांव का मंसूरपुर का बिट्टू है और एक गाजियाबाद का उसका साला है, जिनकी दोनों की जघन्य रूप से गोली मार के हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इसमें मुकदमा लिखाया था। हमारी पुलिस ने गहन छानबीन की, इसमें जानकारी हुई कि पूर्व में रंजिश को लेकर के थाना बैलैनी का दीपक उर्फ खैला उसके साथियों ने इसकी हत्या की है और मौके से फरार हो गए थे। तुरंत ही 24 घंटे में हम लोगों ने एक व्यक्ति हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नामजद भी हुआ था। उसने घटना कर करना स्वीकार किया और उसने बताया कि चूंकि पहले से लोग फसलों की तस्करी करते थे और दीपक खैला को बिट्टू ने पकड़वा दिया था, उसी रंजिश में उसने घटना कारित कराई है। इसमें 3 लोग और वांटेड किए गए थे, जिनमें जिनके गिरफ्तारी के लिए IG रेंज मेरठ महोदय ने 50,000 रुपये इनाम घोषित कर दिया था। हमारी सर्विलांस स्क्वाड की टीम इसमें लगातार लगी हुई थी। कल रात में जानकारी हुई कि वह व्यक्ति जो वांटेड है उसमें से 1-2 गांव में कोई घटना करने आने वाले हैं। हमारे थाने और स्वाट सर्विलांस की टीम बाड़ाबंदी करके इनकी जो है जानकारी कर रहे थे। इसी बीच में इनसे मुठभेड़ हुई और आत्मक्षात की गई फायरिंग में कुख्यात बदमाश जो जिसपे इनाम घोषित किया गया था गौतम, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और हमारी स्वाट टीम बाल बाल इसमें बची। उसको तत्काल जिला अस्पताल लेके आया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। थाने पहुंचने वाले क्या उसे विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है।